तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये बाबा बागेश्वर धाम आने वाले हैं। ये हमारे मंडावली के उत्सव ग्राउंड में, जिसमें कि रामलीला होता है हर साल, ये आप देख सकते हैं। यहाँ का ये एंट्री गेट है। अब हम बढ़ रहे हैं अंदर की तरफ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर अंदर बहुत ही बड़ा और भव्य तरीके का यहाँ पर सारा प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे से इंतज़ाम करके बड़ा तरीके से यहाँ पर टेंट वगैरह लगा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आगे का नज़ारा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ भी एक स्टेज बन रहा है, यहाँ भी जगह जगह लाइटें लगी है। यहाँ थोड़ा बारिश की वजह से कीचड़ वगैरह है, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना भव्य है। बड़ा सा यहाँ पे मंदिर, जो टेंट टाइप का मंदिर टाइप का कुछ बना रखा है, वहाँ पर शायद कुछ उनका खाने पीने का प्रोग्राम कर रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर लाइटिंग वगैरह कितना ही बड़ा पुख्ता टिकाऊ यहाँ पर इन लोगों ने टेंट वगैरह ये लगा रखा है गाइस। आप देख सकते हैं जो कि कभी ना गिरने वाला टेंट है ये। आप देख सकते हैं सामने ये जो व्हाइट कलर के घास अपना बन रहा है, इस पर बागेश्वर बाबा आगे प्रस्थान करेंगे। और यहाँ पे सारे वर्कर लोग यहाँ पे रात के करीबन एक महीने से ये टेंट वगैरह बनाने के काम में जुटे पड़े हैं। तो चलिए अब आपको मैं आगे का नज़ारा दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं पिलर वगैरह कितने ज़्यादा मजबूती से यहाँ पर इन्होंने गाड़ रखा है। ले चल उस पर, देखते हैं क्या हो रहा है। अरे गड्ढे में मत कूदा दियो, ये तो वही है जहाँ से वो कूद के मेला देखने आ गए थे हम। अरे हम तो वीडियो बनाने जा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं उसमें यूट्यूब में डालने के लिए। आराम से चला, आराम से। तो गाइस देख लो कितना बेहतरीन तरीके से टेंट लगा रहे हैं। ऐसा टेंट मैंने तो अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी देखा नहीं, इतना बड़ा और भव्य है। नीचे ये प्लाई वगैरह लगा रहे हैं, सब लोग बैठेंगे आराम से। ये यहाँ पर खाई आ गई, आप देख सकते हैं गाइस। अब हमें स्कूटी से उतरना पड़ा, अब यहाँ से धीरे धीरे हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। यहाँ पर भूकंप से चट्टाने टूटी पड़ी है, ये आप देख सकते हैं गाइस कैसे लोग यहाँ पर पूरी मेहनत और श्रद्धा से काम करते जा रहे हैं। बिल्कुल आज 3 तारीख है, 5 तारीख को यहाँ पे बाबा के प्रस्थान करेंगे और 8 तारीख को यहाँ पर वो है आपका जो पहले कलश यात्रा से स्टार्ट होगा, और 8 तारीख को आपका है यहाँ पर कन्या का जो फ्री में जो शादी होती है, सामूहिक विवाह जिसे बोलते हैं। तो हमें इसको गाइस अभी ऐसे पार करना है कूद के, आप देख सकते हैं ऐसे गाइस। और ये गाइस आपका ये थोड़ा VIP एंट्री है, VIP लोगों के लिए यहाँ पर ये बना रखा है। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पंखे वगैरह लगा रखे हैं यहाँ पर। या ये कूलर देखिए गाइस, जंबो कूलर है। कमेंट्स में बताइए कितने लोग आएंगे टोटल। तो गाइस आप लोग एक बार कमेंट्स करके बता सकते हैं कि इस भव्य आयोजन पर कितने लोग आएंगे, क्योंकि इससे पहले बाबा भी बिहार होकर आए हैं, वहाँ पर करीब उन्होंने 10 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठा कर दिए थे अकेले ही। वो इतना बड़ा ग्राउंड था, ग्राउंड से 3 गुना ज़्यादा सड़कों पे तलक लोग बाग आ गए थे उनको देखने के लिए। ये आप देख सकते हैं गाइस, इतना बड़ा तो सिर्फ स्टेज ही बन रहा है बाबा के लिए। ये आप देख सकते हैं ये वाइट कलर का जो है, यहीं पर बाबा आके बैठेंगे। ये क्या ऊपर बैठेंगे वहाँ? नहीं, ऊपर ही बैठेंगे, चढ़ने का तो जीना वीना बन जाएगा उसमें क्या है। ये फॉर्म में तो है सारा, है ना, ये वाला फॉर्म है, ये थर्माकोल फॉर्म से कुछ भी बन जाता है। ये आप देख सकते हैं गाइस इतनी मेहनत से यहाँ पर कार्य प्रगति पर है। ये देख सकते हैं ये कटाई वटाई चल रही है, बहुत ही बेहतरीन टेंट लगाया है ये। मैंने तो आज तक ऐसा टेंट नहीं देखा, इतना पुख्ता टिकाऊ। बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, एक बार को तो कॉलोनियों के मकान गिर जाएंगे लग रहा है। ये नहीं हो गया, और गलती से गिर गया तो फिर पहले तो गिरेगा ही नहीं। कितना महंगा इतना बड़ा टेंट कोई ऐसे थोड़ी लगा दिया, उससे भी मेरे को मजबूत लग रहा है ये। वो तो फिर भी कपड़े का टेंट था, ये तो पता नहीं बांधा क्रेन से बांधा क्या ये।
हाँ ये VVIP के लिए है। यहाँ तक यहाँ पर थोड़े उसके कम वाले VIP, पीछे पीछे बाकी जनता, कुर्सी तो खैर आएगा ही, जमीन पे बैठेंगे, बाकी तो पार्क के बाहर तक लोग जाएंगे, यहाँ यहाँ से जाएंगे लोग देख लिए। ये जो तो लाइटें वगैरह, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये जो तो ये बड़े बड़े ऊंचे पे लाइटें लगा रखी है, ये पंखे लगा रखे हैं, ये कैसे लगाया होगा उन्होंने, क्रेन वगैरह से, जीने वगैरह से। और जाहिर सी बात है इतना बढ़िया टेंट है तो ड्रोन तो उड़ेगा ही। एंट्री किधर? हाँ, और गाइस आप ये देख सकते हैं ये VIP एंट्री है, बाबा जो उनका डायरेक्ट गाड़ी से उतर के सीधा यहाँ से आ जाएंगे। तो चलिए हम आपको आगे का भी दिखा देते हैं थोड़ा। ये आप देख सकते हैं गाइस, लोग बाग कितने ज़्यादा मेहनत से यहाँ पर अपना काम करते जा रहे हैं। भैया कब तक हो जाएगा ये पूरा तैयार? एक शाम तक सारा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा अच्छा, वो तो कल होगा, आएंगे कब? बाबा तो परसों आएंगे ना, 5 को। बहुत बड़ा ही टेंट लगा दिया। जय जान है। हाँ ये ऑफिस बना रखा है, ये लोग बाग आ रहे हैं तो दूर दूर से, तो कहाँ कहाँ से आ जाए। ये शौचालय होएगा, ये रहा खाने पीने का सारा आइटम, आप देख सकते हैं यहाँ पर बन रहा है ये। और अब मैं अभी इसके बैक साइड आ गया बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये सारा मेरे पीछे पूरा टेंट वगैरह सारा कार्यक्रम लगा रखा है। यहाँ पे इसका ये बैक साइड वाला गेट है, ये देखिए CCTV यहाँ पर जगह जगह चप्पे चप्पे पे CCTV है, कोई उपद्रव ना मचा सके, ये आप देख सकते हैं गाइस। चार दिन नहीं, 5, 6, 7, 8 को वो है ना सामूहिक विवाह, 15 या 30 लड़कियों का वो एक साथ जो शादी कराते हैं, वो वाला नहीं होगा? हाँ यही कराएंगे, फेरी वाला जो गरीब घर के होते हैं। अच्छा, तो खट्टा कहाँ से कराएंगे? वो तो बहुत लोग होते हैं उसमें, नहीं होता समुदाय भवन पे, अंदर कोई जा इधर से आए थे ना। हर तरफ भगवा भगवा रंग छाया पड़ा है। हाँ ये मेन एंट्रेंस है बाबा का, यहाँ से निकल के आएंगे बाबा, ये आप देख सकते हैं गाइस ये मेन एंट्रेंस है, यहीं से निकल के आएंगे बागेश्वर धाम वाले बाबा। दिल्ली में इनका ये दूसरी बार प्रस्थान है, इससे पहले एक बार और आ चुके हैं, ये आई थिंक नॉर्थ दिल्ली के साइड आ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं थोड़ा उस तरफ जो यहाँ पर एक दूसरा टेंट लगा रखा है, खाने पीने का सारा इंतज़ाम VIP के लिए वहीं पे करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं गाइस, गाइस आप लोग देख सकते हैं अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर, ये थोड़ा बहुत यहाँ पे सफाई का कार्य अभी भी चल रहा है, और यहाँ पे खाने वगैरह का सारा सिस्टम लगाएंगे बाबा के लिए। आप देख सकते हैं ये गेट मोस्टली बंद ही रहता है, आज मैं पहली बार इस गेट को खुला हुआ देख रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर जो सामूहिक विवाह वगैरह होगा वो मेरे ख्याल से वो यहीं पर होगा। ये आप देख सकते हैं अंदर लोगों का बैठने का है, और ये जगह जगह पर वो जिसमें आग जलाते हैं वो बन रहा है। चल इधर से निकाल। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना भव्य है, हल्का सा आगे बढ़ा, ये देखो कितना ही बड़ा कितना ही बेहतरीन टेंट है, यहाँ से दिख रहा है आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम एयरपोर्ट पर खड़े हुए हैं।
इतना टाइट पुख्ता मजबूत यहाँ पर काम चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, आईपी एक्सटेंशन उत्सव ग्राउंड, मेला ग्राउंड जिसको बोलते हैं, मैक्स हॉस्पिटल है नियर बाय, और नियर बाय आपका पेट्रोल पंप एंड सीएनजी पंप है। यहाँ पर आकर किसी से भी आप पूछेंगे तो वो लोग आपको रास्ता बता देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से भी छोटी सी एंट्री बना रखी है। तो चलिए बने रहिए, मिलते हैं हमारे एक न्यू ब्लॉग के साथ दिल्लीवासी ब्लॉग्स में। थैंक यू गाइस। गाइस आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं इस टाइम यहाँ पर, एक बार नाइट का मैं व्यू लेने आया हूँ। आप देख सकते हैं ये कितना भव्य तरीके से आयोजन किया जा रहा है। ये पंखे देख सकते हैं आप, कितने ऊंचे तरीके का यहाँ पे पंखे वगैरह लगा रखा है चारों तरफ। ये देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा इन्होंने वीआईपी एंट्री कर दिया। ये जो सामने का जो नज़ारा है, यहाँ पे कुछ जो वीआईपी टाइप के जो लोग होते हैं वो लोग बैठेंगे। बाकी जो सामने आप ये देख सकते हैं वाइट कलर का, ये थर्माकोल का बन रहा है, इस पर हमारे बाबा जी प्रस्थान करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं एक चीज़ आपको अभी और बता देता हूँ कि अभी जैसे मेरे को अभी पता चला है यहाँ के कुछ लोगों से, जो यहाँ पे एक सामूहिक विवाह होने वाला था 21 कन्याओं का, वो विवाह कैंसिल हो गया है किसी कारणवश। अब यहाँ पे सिर्फ 4 दिन भंडारा चलेगा। कथा की जो टाइमिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ, 5 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक डेली 4 घंटे कथा चलेगी, उस बीच 4 घंटे रोज यहाँ पर भंडारा चलेगा। बाकी आप देख ही सकते हैं कितना भव्य तरीके से यहाँ पर आयोजन किया गया है। या मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं गाइस कितने ऊंचे ऊंचे पंखे लगा रखे हैं, लाइटें लगा रखी हैं यहाँ पर चारों तरफ। आंधी आए, बारिश आए, तूफान आए, ये मैं सोच रहा था कि इतने बड़े बड़े लाइट पंखे लगाए कैसे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस। ये देखिए आप, एक जीना ही है इतना बड़ा, ऐसा लग रहा है किसी सर्कस में आ गए हम देखने के लिए। इतना बड़ा तो इतना लंबा जीना लगा रखा, इस जीने से ही धीरे धीरे करके ये काम इसका हो रहा है। और 14 जून को, जैसे कि आज डेट हो चुका है 3 जुलाई, ठीक है, करीबन 15-20 दिन एक महीने के लमसम होने वाले हैं, तो 14 जून को इस जगह की नींव रखी गई थी। और आज जाके देखे बस, अब कल का दिन और है, कल यहाँ पे कलश यात्रा निकलेगी पहले दोपहर में, उसके बाद परसों से जब बाबा आ जाएंगे तो सारा आपको यहाँ पे देखने का मिल जाएगा।